मदर टेरेसा की बायोपिक का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। मदर टेरेसा की बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है। मदर टेरेसा के जीवन पर प्रदीप शर्मा, नितिन मनमोहन, गिरीश जौहर और प्राची मनमोहन मिलकर ये बायोपिक बनाने वाले हैं। फिल्म की डायरेक्टर और राइटर सीमा उपाध्याय है। आपको बता दें कि सीमा फिल्म की स्क्रिप्ट पर करीब 3 सालों से काम कर रही थी। सीमा का कहना है कि वो उनके जीवन के उन पहलुओं को सामने लाना चाहती है जिनके बारे में कम लोगों को पता है। ये फिल्म 2 घंटे की होगी। इस साल में सितंबर या अक्टूबर तक फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2020 तक ये फिल्म रिलीज हो सकती है। इससे पहले भी मदर टेरेसा पर दुनिया भर में फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है। इनमें खास तौर पर 1997 में बना टीवी शो मदर टेरेसा इन द नेम ऑफ गॉड्स पुअर था। वहीं 2003 में मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता और 2014 में अमेरिकन ड्रामा द लेटर्स बनाया गया था, जिनमें जूलियट स्टीवेंसन ने मदर टेरेसा का रोल किया था। मैसिडोनिया में जन्मी मदर टेरेसा 1929 में भारत आई और यहां कई साल तक एक शिक्षक के रूप में काम करती रही। 1950 में कलकत्ता में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना की। इसके बाद उन्हें भारतीय नागरिकता मिल गई। आगे चलकर 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।